Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 9th January 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about longitudinal aging study of India. This topic is important from our syllabus paper 1 Indian society point of view, especially the subsegment elderly care. So सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. देखिए हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया वेव वन रिपोर्ट पब्लिश किया है हाल फिलहाल में ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म. तो जरा समझते हैं कि ये रिपोर्ट है क्या. LASI लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया रिपोर्ट. इट इज अ फुल स्केल नेशनल सर्वे ऑफ health, economic and social determinants and consequences of the aging population in India. सरल शब्दों में कहें तो जो हमारे देश के old age population है, 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र की जो population है, उनकी क्या health status है, क्या economic status है, social उनका क्या, कौन कौन से factors हैं जिनसे उनका health और economy पे impact पड़ता है, और उनके health के कारण उनके overall life पे क्या consequences हैं, किस तरह का उनका जीवन है सरल शब्दों में कहें तो, ये सारी चीज़ों की study की जा रही है इन दिस रिपोर्ट लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया LASI रिपोर्ट. ये रिपोर्ट 2016 से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया गया था और कई सारे लोगों का इंफॉर्मेशन का और डेटा कलेक्ट करने के बाद ये फाइनल फर्स्ट वेव रिपोर्ट पब्लिश किया, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड. एक बार जरा ब्रीफली समझ लेते हैं कि वाई दिस रिपोर्ट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल एजिंग रिपोर्ट. तो लॉन्गिट्यूडनल रिपोर्ट या लॉन्गिट्यूडनल डाटा वो सारे डाटा होते हैं जिसमें देर आर रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम सब्जेक्ट. मतलब एक इंसान के बारे में जब आप डाटा निकालते हैं तो उसी डाटा को कुछ दिनों बाद फिर से जाकर के आप वेरीफाई करते हैं. आपने मान लीजिए आज किसी को का हेल्थ मेजर किया कि इसकी हेल्थ खराब है, तो बस एक बार आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल डाटा नहीं होगा. अगर आपने उस इंसान का वापस से जाकर के 6 महीने बाद आपने उसकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस देखी, फिर 1 साल बाद जाकर के देखी, तो ऐसे डाटा को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डाटा वेयर देर इज रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम सब्जेक्ट. और यही कारण है कि 2016 से ये रिपोर्ट बननी शुरू हुई और अब जाकर के उसकी पहली पार्ट रिलीज हुई है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल रिपोर्ट है. इसमें ओल्ड एज जो 60 साल या ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके हेल्थ इकोनॉमिक स्टेटस का लॉन्गिट्यूडनल डाटा प्रिपेयर किया जा रहा है. उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको ऑब्जर्व किया गया है कि उनका क्या हेल्थ स्टेटस है, क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या उनकी मेंटल स्टेटस है, उन सब के बेसिस पर यह डाटा प्रिपेयर की गई है. तो जरा ब्रीफली समझ लेते हैं व्हाट मेथड्स हैव बीन यूज्ड टू कलेक्ट दिस डाटा. तो सोशल डाटा कलेक्ट किया गया है फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स एंड अदर सोशल नेटवर्क्स. तो जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके फैमिली मेंबर्स से पूछा गया है, उनका जो भी सोशल नेटवर्क है उनसे पूछताछ करके ओल्ड एज के लोगों के, इसमें 70,000 लोगों का डाटा कलेक्ट किया गया है पहले फेज में. तो उनके जो भी लोग थे ओल्ड एज के लोग, उनके फैमिली आसपास के लोगों से इन्फॉर्मेशन लेकर के ये डाटा प्रिपेयर किया गया है. उसके अलावा इकोनॉमिक डाटा भी लिया गया है, उनका ओवरऑल इनकम कितनी एसेट है, कितना ओवरऑल उनका कंजम्पशन है, वो सब भी कलेक्ट किया गया है. और हेल्थ इंडिकेटर्स के लिए उनके बायोमार्कर्स को के डाटा कलेक्ट किए गए हैं. तो जरा समझते हैं कि ये बायोमार्कर्स हैं क्या. देखो बायोमार्कर्स आर इंडिकेटर ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज और हेल्थ स्टेटस. फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल, ये सब बायोमार्कर्स कहे जाते हैं. किसी का ब्लड प्रेशर आप जो भी बताते हैं मेजर करके, सो दिस इज अ बायोमार्कर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. दैट मीन्स इट इज एन इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. और ये बायोमार्कर्स इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल डाटा के बेसिस पे जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसका ओवरऑल ये लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी रिपोर्ट पब्लिश की गई है. अब ये जो LASI वेव वन रिपोर्ट है उसकी की फाइंडिंग्स जरा देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बाय 2050 इंडिया विल हैव
319 मिलियन, मतलब 30 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र वाले होंगे अभी हाल फिलहाल में, अभी जो करंट स्टेटस में है, देखिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, क्योंकि लास्ट सेंसस तो वही था, उसके हिसाब से हमारे देश में ओल्ड एज पॉपुलेशन लगभग 10 करोड़ के आसपास है। तो सरल शब्दों में कहें तो 2050 तक 3 गुना ओल्ड एज पॉपुलेशन हो जाएगा हमारे देश में। तो इससे ये पता चलता है कि हमें ओल्ड एज केयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से डेवलप करने होंगे। उसके अलावा 75% ऑफ द एल्डरली पीपल सफर फ्रॉम वन और द अदर क्रोनिक डिजीज, तो जो भी ओल्ड एज पॉपुलेशन उसको एक ना कोई लंबे समय से चलने वाली बीमारी जरूर होती है। 40% ऑफ द एल्डरली पीपल हैव वन और द अदर डिसेबिलिटी एंड 20% ऑफ देम आर हैविंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये सब डाटा इसके बेसिस पे हमें एक बात तो पता चल जाती है कि ओल्ड एज केयर के लिए हमें स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप्स क्रिएट करने होंगे। अब जरा समझते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट बनाई क्यों जा रही है, इससे फ़ायदा क्या होगा। तो देखो, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया रिपोर्ट है, इसकी मदद से जो हमारे देश में ऑलरेडी चल रहा प्रोग्राम है फॉर ओल्ड एज पीपल, उस प्रोग्राम का नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, इस प्रोग्राम को और सही डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, इसको और इम्प्रूव किया जा सकेगा। ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली पीपल है, इसका मेन पर्पस ही है कि हमारे देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए और अफोर्डेबल बनाया जाए फॉर एजिंग पॉपुलेशन। तो जो 60 साल या ज़्यादा उम्र के लोग हैं, देखो जैसे हर एक हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हेल्थ हार्ट सर्जरी डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, लीवर डिपार्टमेंट, वैसे ही एक अलग से जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट, मतलब ओल्ड एज केयर डिपार्टमेंट होनी चाहिए। ये इस नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली प्रोग्राम का पर्पस है। तो एक बार जब ये हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया डाटा, तो उसके हिसाब से अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो जेरियाट्रिक केयर या ओल्ड एज केयर वाला जो डिपार्टमेंट होगा उसमें कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं वो हमें पता चलेगा। और ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली पीपल है, इसका जो टोटल खर्चा होगा उसका 75% खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, जबकि रिमेनिंग 25% कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। इसमें फ़ायदे क्या होंगे ओल्ड एज लोगों के लिए, तो ऑब्जेक्टिव तो इसमें कम से कम यही है कि देयर विल बी फ्री स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी गिवन एक्सक्लूसिवली टू एल्डरली पीपल। अब देख, एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कभी एल्डरली लोगों पे सवाल आ जाए, ओल्ड एज लोगों पे सवाल आ जाए, या जेरियाट्रिक केयर, इसी को कहते हैं जेरियाट्रिक केयर, ओल्ड एज केयर को, तो इस पे कभी सवाल आ जाए तो ये दो नाम बस याद रखना, आपके को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, कि उनके लिए एक अलग से प्रोग्राम चलाई गई है, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, एंड उनके लिए एक अलग से रिपोर्ट बनाई गई है ताकि उनके नीड्स को बेहतर तरीके से कैटर किया जाए, और वो रिपोर्ट है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। अगर बस ये दो याद रखोगे, जेरियाट्रिक केयर के सवाल में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट, इट इज अबाउट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फोर एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले इस स्कीम के बारे में समझते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इन नाम से आपको पता चल रहा है कि जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनका जो भी हैबिटेट है जहाँ पे वो रहते हैं उसको डेवलप करना है ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी जो पॉपुलेशन कम हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके स्कीम को चला रहे हैं, और इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देती है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को ताकि वो अपने अपने स्टेट्स में जो भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करके रखें। अब ये जो स्कीम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इसके तीन कॉम्पोनेंट हैं। पहला कॉम्पोनेंट है सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरियाज, तो जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं अलग अलग स्टेट में, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट, उन सारे एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को अपग्रेड करने के लिए ये पहला कंपोनेंट चलाया जाता है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर वो सारे प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट, बट वो एरिया नहीं आते जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, इस पर पीटी पे सवाल बन सकता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर अलग से भारत सरकार एक स्कीम चला रही है, इट इज ऑल्सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें फोकस किया जाता है कि जिन जिन स्टेट्स में टाइगर पॉपुलेशन है, जिस जिस एरिया में, वहाँ पे टाइगर के हैबिटेट को डेवलप किया जाए। तो मुद्दा यह है कि टाइगर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए
प्रोजेक्ट टाइगर ऑलरेडी चल रहा है। तो टाइगर के हैबिटेट के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, प्रोजेक्ट टाइगर, और यही कारण है कि इस पर्टिकुलर स्कीम में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में, टाइगर्स के हैबिटेट को डेवलप करने के लिए इसमें फंड नहीं दिया जाता है, और जो भी प्रोटेक्टेड एरिया जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं वो इस स्कीम का पार्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जो दूसरा कंपोनेंट इस स्कीम का वो है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया। तो जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके लिए तो कंपनसेशन मिलता ही है स्टेट गवर्नमेंट को, साथ ही साथ जो एरिया जो प्रोटेक्टेड एरियाज में नहीं है, वो बाहर के एरियाज हैं, उनको भी अगर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट वहाँ पे है तो उसको अपग्रेड करने के लिए पैसा मिलता है और टेक्निकल असिस्टेंस मिलता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। मेनली ये सारे एरियाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं, और कौन कौन से एरिया प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर वाले जिनको अपग्रेड करना है अंडर दिस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम, वो सारे एरिया का एक रिपोर्ट बना करके हर एक स्टेट के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को, और अगर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ अप्रूव कर देता है तो फिर वो सारे एरिया दैट आर नॉट अंडर प्रोटेक्टेड रीजन बट स्टिल दे आर अपग्रेडेड, उनके हैबिटेट्स को अपग्रेड करने के लिए सेंटर से स्टेट को पैसा आता है। इस बात को ध्यान से समझो, देखो हर एक स्टेट में एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है और उसका काम होता है कि वो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसको एस्टैब्लिश किया गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को लिख करके भेजे कि सर ये पर्टिकुलर एरिया, ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट, वैसे तो प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं आता लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अगर वो रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाती है इन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ तो फिर उस एरिया को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, बट वो एरिया का प्रोटेक्शन विल नॉट कम अंडर कॉम्पोनेंट वन, इट विल कम अंडर कॉम्पोनेंट टू, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया। जो तीसरा कंपोनेंट है दैट इज रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैबिटेट्स एंड स्पीसीज। इसके अंदर क्या होता है कि चीफ वार्डन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, वो रिपोर्ट लिख के भेजते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को कि हमारे स्टेट के अंदर ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, इसकी पॉपुलेशन लगातार गिर रही है, और अगर वो रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाती है बाय नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ तो फिर उस स्पीसीज के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन की स्कीम चलाई जाती है अंडर दिस थर्ड कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। वो थर्ड कंपोनेंट है रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैबिटेट्स एंड स्पीसीज। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, हमने ये स्कीम देखा, इसके तीन कंपोनेंट, पहला सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरिया, दूसरा कंपोनेंट प्रोटेक्शन आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, और तीसरा कंपोनेंट रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैबिटेट एंड स्पीसीज। तो जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके लिए रिकवरी प्रोग्राम चलाई जाती है अंडर दिस थर्ड कंपोनेंट। और ये जो तीसरा कंपोनेंट है इसके अंदर इनिशियली 17 स्पीसीज को रखे गए थे, स्नो लेपर्ड, बस्टर्ड, डॉल्फिन, हंगूल, नीलगिरी तहार, मरीन टर्टल्स, डुगोंग, एडिबल नेस्ट, स्विफ्टलेट, एशियन वाइल्ड बुफैलो, निकोबार, मेगापोड, मणिपुर ब्रो, एंटलर डियर, वल्चर्स, मलाबार सीवेट, इंडियन राइनोसोर्स, एशियाटिक लायन, स्वैम्प डियर एंड जर्डन कर्सर। अब ये 17 स्पीसीज पहले रखे गए थे अंडर दिस रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, लेकिन ये 17 के 17 नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक बार बस पढ़ दिया। इसमें से अगर आपको कोई नाम याद रखना है एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो है इंडियन राइनोसोरस, कि इंडियन राइनोसोरस इज़ पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम अंडर रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये बस याद रखना, बाकी 17 के 17 मत याद रखना। उसके अलावा देखो 2018 में 4 और स्पीसीज को ऐड किया गया इसके अंतर्गत, नदन, रिवर टेरापिन, क्लाउडेड लेपर्ड, एशियन अरेबियन सी हम्पैक एंड वेल एंड रेड पांडा, ये 4 ऐड किए गए 2018 में। अब करंट न्यूज़ क्या है वो जरा देखते हैं, जिस कारण से ये मैं आर्टिकल कवर कर रहा हूँ। करंट न्यूज़ ये है कि एक और स्पीसीज़ कराकाल को इसके अंतर्गत ऐड किया गया, और इसके साथ ही टोटल 22 स्पीसीज हो गए हैं दैट आर पार्ट ऑफ रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैबिटेट एंड स्पीसीज। 17 स्टार्टिंग में थे, 4 और बाद में ऐड हो गए 2018 में, और एक अभी ऐड हुआ है। तो करंट न्यूज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इट्स 60th मीटिंग हैज अप्रूव्ड इंक्लूजन ऑफ कराकल टू इट्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज फॉर टेकिंग अप कंजर्वेशन एफर्ट्स अंडर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, और इसके साथ ही टोटल 22 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हो गए अंडर दिस प्रोग्राम। ये जो कराकल है इट्स अ वाइल्ड कैट, इस तरह का दिखता है ये वाइल्ड कैट, एंड इट इज़ फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझो जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखो कैराकल इज इंक्लूडेड अंडर दिस क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए कि
इसको इस प्रोग्राम में रखा गया है, लेकिन कैरकल इज नॉट अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज इन IUCN रेड डाटा बुक। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको फिर से ध्यान से समझिए कि हमारे देश में एक स्कीम चलाई गई है कि जो भी स्पीसीज इंडेंजर्ड हैं, जिनके ऊपर खतरा है, उनके लिए उनके हैबिटेट को डेवलप करने के लिए हम लोग स्पेशल स्कीम चलाएंगे अंडर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। और वो स्पीसीज के ऊपर खतरा हो सकता है हमारे देश में, और इसी कारण से उनको हमने लूज टर्म में कह दिया है, एक प्रोग्राम चला दिया हमने, रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैबिटेट एंड स्पीसीज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी स्पीसीज इस प्रोग्राम के अंतर्गत रखे गए हैं सब के सब IUCN रेड डाटा बुक में क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इस बात का ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वाइल्ड कैट है कैरकल, ये IUCN रेड डाटा बुक में लीस्ट कंसर्न में है, क्योंकि दुनिया के बाकी सारे हिस्सों में इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, अफ्रीका वगैरह में इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, लेकिन इंडिया में इसकी पॉपुलेशन गिर रही है। और यही कारण है कि IUCN के रेड डाटा बुक में लीस्ट कंसर्न होने के बावजूद भी इंडिया में हमने इसको रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैबिटेट एंड स्पीसीज वाले प्रोग्राम में डाला है। तो ये जो टर्म क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसको ये मत समझ लेना आप लोग कि ये IUCN रेड डाटा बुक में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसके लिए प्रोग्राम चलाया है। यहां से ऑलरेडी UPSC 2018 में सवाल पूछ चुकी है, जब ये 2018 में ये अपग्रेडेशन चार एनिमल्स का किया गया था, तो आगे हो सकता है फिर से पूछ ले, क्योंकि इस साल वापस से एक स्पीसीज का नाम इसमें ऐड किया गया है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, दीज आर नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज अकॉर्डिंग टू IUCN रेड डाटा बुक, बट फिर भी इनको क्रिटिकली रिकवरी प्रोग्राम में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में रखा गया है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट प्रवासी भारतीय दिवस, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 3 इंडियन डायस्पोरा पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में समझते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन 9th January, और इसको 2003 से ही हमारे देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी मतलब ये होता है वो इंडियंस जो हमारे देश में नहीं रह रहे हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRI, या फिर वो लोग जो इंडिया के ओरिजिन के हैं अब कहीं बाहर जाकर के सेटल हो गए, उन सबको हम लोग कहते हैं प्रवासी भारतीय। और प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड इन ऑर्डर टू मार्क द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। प्रवासी भारतीय दिवस 2021, यानी कि इस साल का जो प्रवासी भारतीय दिवस है जो आज मनाया जा रहा है, इसका थीम है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। और प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन विल बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड विल फीचर अ की नोट एड्रेस बाय चीफ गेस्ट चंद्रिका प्रसाद संतोखी, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट बर्ड फ्लू आउटब्रेक इन इंडिया, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली सब सेक्टर हेल्थ। सो सबसे पहले करंट न्यूज समझते हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कन्फर्म किया है कि 6 स्टेट्स में, केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में बर्ड फ्लू आउटब्रेक हो चुका है, और इसी कारण से बाकी सारे स्टेट्स के लिए उन्होंने एक एडवाइजरी नोट रिलीज़ किया है कि यू नीड टू रिमेन विजिलेंट, कि बाकी स्टेट्स में भी बर्ड फ्लू फैल सकता है। और यही कारण है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने इंपोर्ट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। तो बाहर से चिकन, एग्स, फिश, इन सब को अब इम्पोर्ट नहीं कर सकते, चिकन एंड एग्स को इम्पोर्ट अभी नहीं कर सकते। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि आसाम, उसके अलावा मध्य प्रदेश वगैरह, इन सारे स्टेट्स ने अब इम्पोर्ट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया बिकॉज ऑफ बर्ड फ्लू आउटब्रेक इन इंडिया। तो बर्ड फ्लू के बारे में जरा और समझ लेते हैं। देखो, बर्ड फ्लू ऑल्सो इज नोन एज एवियन इन्फ्लुएंजा एंड इट इज हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस दैट जनरली अफेक्ट्स पोल्ट्री बर्ड्स लाइक चिकन। इसके अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल H5N1, H5N2, H9N2, अलग अलग तरह के इसके स्ट्रेन होते हैं। कुछ स्ट्रेन बहुत माइल्ड होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता बर्ड्स पे, उससे खाली इतना होता है कि उनकी एग लेइंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कुछ एक स्ट्रेन बर्ड्स के लिए फैटल होते हैं, लीथल होते हैं, दे कैन कॉज डेथ ऑफ बर्ड्स एज वेल। डज इट स्प्रेड ईजिली टू ह्यूमन, ये एक बेसिक सवाल है कि क्या बर्ड फ्लू से हमें भी खतरा है। तो इन जनरल इट इज नॉट, बर्ड फ्लू जनरली ह्यूमंस में नहीं फैलता है, लेकिन फिर भी वो लोग जो पोल्ट्री में काम करते हैं, दोज हु कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद बर्ड्स,
उनको बर्ड फ्लू के इन्फेक्शंस हो जाते हैं कभी कभार, और ख़ासकर इसमें भी H5N1 वाला जो स्ट्रेन है वो इंसानों में कभी कभार हो जाता है, दो इट्स नॉट वेरी यूजुअल। और बर्ड फ्लू के ट्रीटमेंट के लिए एक एंटीवायरल ड्रग्स भी है जिसका नाम है ओसेल्टामिविर। ये ड्रग्स का नाम आप पीटी से पहले याद कर लेना, हो सकता है पीटी में हमसे पूछ ले। एक और पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बर्ड फ्लू वाला जो वायरस है इट अफेक्ट्स ह्यूमन एंड बर्ड्स डिफरेंटली। बर्ड्स को ये उनके गट में इन्फेक्शन करता है, इट इन्फेक्ट्स द गट ऑफ द बर्ड्स, जबकि यही वायरस इट अटैक्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है जबकि बर्ड्स के ये गट को अटैक करता है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट हेमचंद्र गोस्वामी साहब। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम पर्सनैलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू। सो हेमचंद्र गोस्वामी साहब के बारे में समझ लेते हैं। वॉज बॉर्न ऑन 8 जनवरी 1872 एंड डाइड ऑन 2 मई 1928। ही इज एन असमीज राइटर, पोएट, हिस्टोरियन, टीचर एंड लिंग्विस्ट फ्रॉम जोनाकी एज। ही कंपोज द फर्स्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल सोनेट ऑफ द असमीज लैंग्वेज प्रियतमर स्थिति। बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स हेमकोश दैट वॉज डन बाई हेमचंद्र बरुआ दैट इज द सेकेंड डिक्शनरी ऑफ असमीज लैंग्वेज गॉड प्रिंटेड इन 1900। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड कथा गीता ऑफ भट्टदेव इन ऑफ 16th century एज द फर्स्ट सैम्पल ऑफ मॉडर्न इंडियन रीजनल प्रोज। ही वॉज फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा दैट वॉज हेल्ड इन 1920 एट तेजपुर। जोनाकी एज के बारे में जरा समझ लेते हैं। अखोमिया भाषा उन्नति सदनी सभा वॉज इस्टेब्लिश इन 1888 एंड दे पब्लिश द मैगजीन जोनाकी इन 1889। द फर्स्ट एडिटर ऑफ जोनाकी मैगजीन वॉज चंद्र कुमार अग्रवाला एंड जोनाकी एज रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म इन असमीज लिटरेचर। इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल पीटी टॉपिक्स फॉर अपकमिंग एपीएससी टुडे विल टॉपिक कवर टॉपिक नंबर 321 to 323। टॉपिक नंबर 321 इज अबाउट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज अ यूएन बॉडी हुज मिशन इज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 2006। इट हैज 47 मेंबर्स सेलेक्टेड फॉर 3-year टर्म्स एंड अ मेंबर कैन हैव एट मैक्स 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 321। टॉपिक नंबर 322 इज अबाउट प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा। सो गेल इज लिंक बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन विच इज़ पार्ट ऑफ जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा नेचुरल गैस पाइपलाइन दैट इज पॉपुलरली नोन एज प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 322। टॉपिक नंबर 323 इज अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इट इज एन एनुअल रिपोर्ट जॉइंटली पब्लिश बाय कंसर्न वर्ल्ड लाइफ वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक थी 94 out of 107 कंट्रीज। Please attempt this question based on topic number 323. This is the answer question number 319 to 321 that we had given yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. Which of the following, कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। इन सारे में सबसे छोटा वेवलेंथ होगा एक्स रेज का, लेकिन अगर एक गामा रेज होता ऑप्शन में तो सही आंसर होता गामा रेज। सेकेंड क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग डब्ल्यू ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो रिव्यू ऑफ ट्रेड पॉलिसी ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज इज डन एट डब्ल्यू टी ओ एवरी 5th ईयर। दिस इज रॉन्ग। टॉप के जो चार कंट्री उनका हर तीसरे साल पे होता है, बाकी के 16 का 5 साल पे और रिमेनिंग का 7 साल पे होता है, ऐसा हमने कल देखा था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इंडिया शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड हैज इंक्रीज वेरी मार्जिनली इन लास्ट 10 ईयर। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको ये वेरी मार्जिनली सब के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाए, क्योंकि इंडिया का ट्रेड शेयर इन ग्लोबल ट्रेड हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम समवेयर क्लोज टू 1.2% टू 2.1% एंड दैट इज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। अबाउट 70 to 80% ग्रोथ इज नॉट अ वेरी मार्जिनल ग्रोथ। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबोव। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।